इस क्रीड़ा नगरी के अंदर कुल 24 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया, एक नहीं दो नहीं यहाँ पर बल्कि तीन तीन चमचमाती यहाँ ट्रॉफी रखी गई है। उसके साथ साथ बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज तथा प्रत्येक मैच में यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रत्येक मैच में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले उस खिलाड़ी को, इसी के साथ मैच की शुरुआत हो चुकी है। हल्के हाथों से कट किया है विकेट के पीछे, एक रन पूरा कर लिया है, क्या दूसरा रन लेंगे? जी हाँ, दूसरे के लिए भी दौड़ पड़े हैं। यहाँ पर दो रन यहाँ पर बड़ी आसानी से यहाँ पर चुरा लिया, यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। यहाँ पर बात की जाए तो स्वप्निल और जय यशांक की यह जोड़ी, एक गेंद दो रन हो चुकी है। अगली गेंद अंकित की स्वप्निल को, लेग साइड के हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, एक रन पूरा कर लिया है। देखिए दूसरा रन पूरा करने की कोशिश, इसी बीच रोक दिया यहां पर यशांक ने। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। जी हाँ, इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ चुका है यहाँ पर 3 रनों पर। सुपर ओवर का यह मुकाबला खेला जा रहा है, 6-6 बॉल का समय के अनुभव के कारण जेएम बॉयज और जय सिलियन के बीच यह मुकाबला। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर कहा जा सकता है इसे, जी हाँ डॉट बॉल लीगल डिलीवरी अंकित की यहाँ पर। बात की जाए तो यहाँ पर सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच। बात की जाए तो कांदियोली की टीम यहाँ पर फाइनल में पहुंच चुकी है, तो देखना है कौन सी टीम यहाँ पर, कौन सी वह दूसरी टीम होगी यहाँ पर फाइनल में पहुंचने वाली, जेएम बॉयज या जेएस इलेवन। इसी के साथ बढ़िया यहाँ पर वेरिएशन करते हुए गेंदबाज, इसी के साथ रनआउट, जी हाँ रनआउट के रूप में अपना विकेट खोया यहाँ पर। यशांक पेविलियन की ओर, इसी बीच कितना बॉल हो गया, रन कितना हुआ, 4 बॉल 3। जी अगर बात की जाए तो 4 गेंद 3 रन हो चुके हैं अभी तक, अगर स्कोर बोर्ड को अगर देखा जाए तो एकमात्र विकेट खोया है यशांक के रूप में। संजय अगले बल्लेबाज है, संजय रनआउट का विकेट मिला है यहाँ पर अंकित को। जी हाँ, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार विजेता इस समय बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर संजय। स्ट्राइक पर है स्वप्निल, जी हाँ 3 रन हो चुका है इस समय टीम का स्कोर। आगे आकर खेलने का प्रयास, डॉट बॉल, कोई रन नहीं यहाँ पर। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अंकित की, काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अंकित की। अगली गेंद अंकित की स्वप्निल को, बढ़िया शॉट यहां पर घुमा दिया है, देखना है क्या होता है। और ये 6 रन, छक्का आखिरी गेंद पर मार दिया है यहां पर, बढ़िया शॉट यहां पर 6 रनों के लिए स्वप्निल। चलो जल्द से जल्द फील्डिंग पे जाइए, बैट्समैन भेजिए मोहम्मद, यहां पर पूरा तरह से समीकरण, बॉल दीजिए, नया बॉल दीजिए फटाफट। बात की जाए तो इस मैच को जीतने के लिए यहाँ पर 10 रनों की दरकार है यहाँ पर टीम जेएम बॉयज को। अगर इस मैच को जीतना है तो 5 गेंदों में मात्र 3 रन थे, मगर अंतिम गेंद पर यहाँ पर छक्का लगाकर इस मैच का पूरी तरह से समीकरण बदल दिया। अगर देखा जाए तो स्वप्निल ने अंतिम गेंद पर यहाँ पर छक्का मारा और पूर्ण रूप से यहाँ पर समीकरण बदल दिया। 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए यहाँ पर जेएम बॉयज को। देखना है कौन सी वह दूसरी टीम होगी यहाँ पर मलाड चषक 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली। कांदियोली की टीम यहां पर इंतजार कर रही है, यहां पर फाइनल में पहुंच चुकी है, तो देखना है दूसरी टीम कौन सी होगी, जेएस इलेवन या जेएम बॉयज। चलो फील्डिंग लगाइए जल्द से जल्द, थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना है आपको, थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, जल्द से जल्द फील्डिंग, बैट्समैन भेजिए जेएम बॉयज, लौकर लौकर फलंदाज पाठवायचे। अच्छी गेंदबाजी चल रही थी, 5 गेंदों में मात्र 3 रन दिए थे, पर आखिरी गेंद पर एक सिक्स खाया अंकित ने और जे गेम का समीकरण बदल दिया। महाराष्ट्र राज्य बहुउद्देशीय माथाड़ी ट्रांसपोर्ट व जनरल कामगार संगठन की ओर से आयोजित
भव्य दिव्य यह प्रतियोगिता क्रिकेट की आप देख सकते हैं गोविंद नगर की क्रीड़ा नगरी के अंदर कुल 24 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। डे वन के बाद डे टू में भी काफी बढ़िया यहाँ पर मनोरंजन होते हुए यहाँ पर लोगों का जी हाँ बात की जाए तो यहाँ पर 10 रनों का लक्ष्य है। इस टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजककर्ता हमारे दिनेश माने सर जी, क्या बढ़िया सुंदर आयोजन यहाँ पर किया इन्होंने, जितनी भी सराहना की जाए कम। और हमारे प्रमुख अतिथि यहाँ पर श्रीकांत मिश्रा जी, इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत इस भव्य दिव्य टूर्नामेंट के अंदर। बैट्समैन का नाम बता, राजकुमार और नॉन स्ट्राइक पे है अंकित। जी हाँ, राजकुमार और अंकित की जोड़ी एक बार फिर यहाँ पर धूम मचाने आ गए इस सुपर ओवर आखिरी ओवर लेकर। स्वप्निल सेमीफाइनल के करो या मरो या मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी यहाँ पर फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। बढ़िया गेंद यहाँ पर, डॉट गेंद, क्या गेंदबाजी यहाँ पर स्वप्निल की। जैसे बैटिंग करते हैं वैसे बॉलिंग भी करते हैं स्वप्निल, अपनी टीम के लिए हीरो, सुपर हीरो। जी हाँ, अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज राजकुमार को यहाँ पर डॉट बॉल डाल दिया पर पहली ही गेंद यहाँ पर देखा जाए तो। अब दूसरी गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार यहाँ पर, फिर से एक लगातार डॉट, मगर एम्पायर का इशारा व्हाइट का। चलो हरिया अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय दिया जाएगा। चलो हरिया अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय, चलो हो जाएगा अंपायर, एक दूसरे बात कर लीजिए। अंपायर अभी का क्या है, एम्पायर डिसीजन। ओके, थैंक यू अंपायर। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक रन से अपना खाता खोलते हुए टीम एक्स्ट्रा के रूप में, अभी भी 9 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए यहाँ पर। और इसी बीच रन आउट हो गए यहाँ पर राजकुमार, अंकित भाग के आए थे उनके पास लेकिन उन्होंने अपना विकेट छोड़ दिया। यहाँ पर काफी अंधेरे में मैच खेला जाएगा, दोनों टीमों को काफी नाराजगी होगी क्योंकि काफी अंधेरे में खेला जाने वाला ये मैच। बंटी अगले बल्लेबाज है बंटी। चला लवकर चालू करते हैं, स्वप्निल जरा बॉल जल्द से जल्द डालने की कोशिश कीजिए प्लीज, बैट्समैन रेडी हो जाइए, काफी अंधेरे में खेला जाने वाला है मैच, किसी भी ओर घूम सकता है। फिर एक बार डॉट, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, इसी बीच रनआउट का विकेट यहाँ पर, अंकित ने स्ट्राइक ले लिया है, बंटी यहाँ पर आए और गए। जी हाँ, अगर बात की जाए तो इस मैच में अगर जो अंतिम गेंद में छक्का मारा था उस छक्के ने पूरा मैच का यहाँ पर समीकरण ही बदल दिया, यहाँ पर पूरी तरह मैच में लाकर रख दिया अपनी टीम को इस बल्लेबाज ने जिसने अंतिम गेंद पर छक्का मारा था। इस रनआउट के बाद अगले बल्लेबाज आए हैं सन्नी, SQNNY सन्नी। फिर एक बार अगली गेंद स्वप्निल की, बढ़िया शॉट यहां पर, देखना है क्या होता है। और ये यहां पर अच्छी फील्डिंग, इसी बीच दूसरे रन की कोशिश, और इसी बीच अंपायर का निर्णय और ये रनआउट। आ रहे और जा रहे एक एक रन लेकर, जीतने के लिए 2 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता, 2 चेंडू 8 धावन की गरज, 2 गेंदों में यहां पर 8 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए जेएम बॉयज को। अगले बल्लेबाज है गौरव, स्ट्राइक पर है गौरव, सामना कर रहे गेंदबाज अंकित। गेंदबाज स्वप्निल तो बल्लेबाज अंकित आगे आकर खेलने का प्रयास, मगर डॉट बॉल। औपचारिकता रह गई अभी इस मैच में, तो एक बॉल 8 रन मात्र औपचारिकता। अब लगता है यहाँ पर फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बन जाएगी यहाँ पर जयेश 11,
जी हाँ, कांदिवली की टीम यहाँ पर फाइनल में पहुंच चुकी है मालाड चषक 2024 में, तो देखना है वह दूसरी टीम कौन सी होगी। इसी के साथ यहाँ पर जैसे उड़े उनकी टीम यहाँ पर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन चुकी है, यहाँ पर मालाड चषक में यहाँ पर दूसरी टीम बन चुकी है जैस इलेवन, उनका मुकाबला कांदिवली की टीम से होगा। जी हाँ, क्या बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर, अंतिम गेंद में छक्का लगाया और बाद में गेंदबाजी में बढ़िया वापसी करते हुए यहाँ पर उनकी टीम, इनके गेंदबाज जैस इलेवन और कांदिवली के बीच यहाँ पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पर।